इसी कारण से मैंने रात दिन सचिन पायलट के लिए एक कर दी मेरे भाइयों। कई लोग कहते हैं सचिन पायलट की चमचागिरी करता है, चमचागिरी तो मैं मेरे बाप की भी नहीं करता। उसने तो मना किया था, इसको समझा दो ये देवली नहीं जाएगा, ये निकले नहीं लड़ेगा। लेकिन मैं मेरे दिल की सुनता हूँ, आत्मा की सुनता हूँ, मैंने मंजिल बना रखी है, उस मंजिल तक जब तक मेरा स्पिना नहीं पहुंचेगा। मैंने सचिन पायलट की चमचागिरी नहीं की, मैंने तो सचिन पायलट को इसलिए बड़ा भाई माना ताकि जो गुजर मीणा में खाई पड़ी हुई है ये खाई खत्म हो जाए। कोटा में प्रहलाद कुंदलो टिकट मिला तो मैंने वहां भी रात दिन एक कर दी ताकि फिर से एक मैसेज चला जाए कि गुजर का बेटा चुनाव लड़ रहा और मीणा समाज उसके लिए डरे पिटाकर स्वागत सत्कार कर रहा है। चाहते थे जो इनके मतभेद हो गए थे, जो मतभेद हो गए थे, जो इनमें खटास आ गई थी, उस खटास को नरेश मीणा खत्म करना चाहता था मेरे भाई। नरेश मीणा खटास को खत्म करना चाहता था, इसी कारण से मैंने रात दिन सचिन पायलट के लिए एक कर दी मेरे भाइयों। कई लोग कहते हैं सचिन पायलट की चमचागिरी करता है, चमचागिरी तो मैं मेरे बाप की भी नहीं करता। चमचागिरी तो इस जगह नहीं होता। उसने तो मना किया था, इसको समझा दो ये देवली नहीं जाएगा, ये निर्दलीय नहीं लड़ेगा। लेकिन मैं मेरे दिल की सुनता हूँ, आत्मा की सुनता हूँ, मैंने मंजिल बना रखी है, उस मंजिल तक जब तक नरेश मीणा नहीं पहुंचेगा तब तक ऐसे ही आप लोगों के बीच में घूमता रहेगा। मैंने सचिन पायलट की चमचागिरी नहीं की, मैंने तो सचिन पायलट को इसलिए बड़ा भाई माना ताकि जो गुजर मीणा में खाई पड़ी हुई है ये खाई खत्म हो जाए। मैंने पद के लोभ में एमएलए बनने के लिए, सांसद बनने के लिए सचिन पायलट को नहीं पकड़ा। मैं तो चाहता था कि गुजर मीणा वापिस से भाई भाई हो जाए, शादी ब्याह में एक साथ बारात में जाए, एक साथ खान पीन में जाए, जन्म मरण में एक साथ रहे। इसलिए मैं सचिन पायलट के साथ था मेरे भाइयों। और उसके बाद जब प्रहलाद कुंजल को टिकट मिला, कोटा में प्रहलाद कुंदलो टिकट मिला तो मैंने वहां भी रात दिन एक कर दी ताकि फिर से एक मैसेज चला जाए कि गुजर का बेटा चुनाव लड़ रहा और मीणा समाज उसके लिए डरे पिटाकर स्वागत सत्कार कर रहा। और जिस तरह से आपने चुनाव देखा हो, जो आपने चुनाव देखा होगा कोटा का, कैसे आदिवासी भाइयों ने हमारी लाज रखी, हमारी लाज रखी। अरे वो तो बिरला सेठ बच गया, वो तो बिरला बच गया, 200 करोड़ खर्च कर दिए, पूरी पुलिस लग गई, प्रशासन लग गया, सरकार लग गई, सत्ता लग गई, तब भी कितने वोटों से जीता? मात्र 40,000, मात्र 40,000। लेकिन मैं उस धन्यवाद देना चाहता हूँ उस देवनार के बेटे को, उस माँ को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने प्रहलाद कुंजल को जन्म दिया, वो प्रहलाद कुंजल जिसके लिए मैंने वो मेहनत करी। लेकिन मेरे भाइयों आपने देखा होगा वो एक कांग्रेस का सीनियर लीडर है, उसने अपना प्रोटोकॉल तोड़ा, उसने अपनी लिमिट को तोड़ा और आपके बेटे नरेश मीणा के लिए हाईकमान से मांग कर डाली कि नरेश मीणा को टिकट। उस गुजर के बेटे ने, उस साधु माता के बेटे ने, उस देवनार के बेटे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरह से उसने नरेश मीणा की टिकट की दावेदारी करी, पूरा मीणा समाज आज कुंजल की जय जयकार कर रहा है, देवनार भगवान की जय जयकार कर रहा है। अरे मेरा तो यही तो सपना है, मेरा यही तो सपना है कि ये जो किसान जातियां हैं, ये जो किसान जातियां हैं, ये हम सब लोग मिलकर तेजाजी महाराज की जय करें, भगवान देवनार की जय करें, मीर भगवान की जय करें, कृष्ण भगवान की जय करें, जिससे लोग जिससे सम्मान खुश होते हैं। यही तो कर्म हमें करने चाहिए मेरे भाई। हमें उम्मीद है, कल एक नाम आ गया था कि यहाँ का सांसद जिसको आपने सांसद बनाया वो किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट देना चाहता है जो 4 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी का और नरेंद्र मोदी का प्रचार कर रहा था। अगर उसकी क्वालिटी है, उसकी खूबी है, जिसका नाम केसी मीणा है, तो मैंने सुना है कि उसने नौकरी करी है, उस नौकरी में खूब मलाई खाई है और अब नेतागिरी में आके भी मलाई खाना चाहता है।